Hello student and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 3rd, chapter 8, Delhi. And today we have topics to discuss, locations, climate, government and structure. From the page number 48 to 49. Aaj hamara jo chapter hai, wo class 3rd ke liye hai, chapter 8, Delhi. Aur aaj ka jo hamara vishay hai, wo Delhi ki location aur Delhi mein kis tarike ka climate hota hai aur Delhi ki government और दिल्ली का स्ट्रक्चर, मतलब दिल्ली किस तरीके से बना हुआ है. और हमारे जो पेज नंबर होंगे वो 48 से 49 तक होगा. लुक एट द पेज नंबर 48, चैप्टर 8, दिल्ली. दिल्ली इज अ वेरी ओल्ड सिटी ऑफ इंडिया. इट इंक्लूड बोथ न्यू दिल्ली कैपिटल सिटी एंड ओल्ड दिल्ली. द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड सिटी ऑफ दिल्ली ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द सैटेलाइट सिटीज ऑफ फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा एंड अदर नियर बाई एरिया. दिल्ली एक बहुत पुराना शहर है भारत का. हमारे भारत का सबसे पुराना शहर क्या है? दिल्ली. इट इंक्लूड बोथ न्यू दिल्ली एंड ओल्ड दिल्ली, यानी ये दोनों चीज़ों को कंसिस्ट करती है. दोनों चीज़ों को इंक्लूड है इसमें, न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली. न्यू दिल्ली क्या है? कैपिटल सिटी. द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी, जब इसमें एनसीटी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो दिल्ली क्या है? एनसीटी के नाम से भी जाना जाता है. तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है ना ऑफ दिल्ली. ऑल्सो इनकॉर्पोरेट ऑफ सेटेलाइट सिटीज ऑफ फरीदाबाद. और इसके जो आसपास के एरिया हैं वो कौन से हैं? गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा एंड अदर नियर बाई एरिया. अगर आप इसमें मैप में देखते हैं तो मैप में आपको देखने को ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं. ये मैप, दिल्ली का मैप कुछ इस तरीके से है. जैसे अगर हम इस मैप की बात करते हैं तो दिल्ली का मैप कुछ इस तरीके से है. लेकिन अगर हम इस फैक्ट फाइल की बात करते हैं, ये जो एक फैक्ट फाइल है, ठीक है, इस फैक्ट फाइल में लिखा है शो काइंडनेस एंड courtesy टू द पीपल हु विजिट योर स्टेट. मतलब आपके राज्य में कोई भी दूसरी स्टेट के लोग आते हैं, या आपकी स्टेट में, तो यूपी में कोई दिल्ली के आते हैं है ना, या दिल्ली में कोई यूपी के लोग आते हैं, तो हमें उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? बहुत ज़्यादा हमें उनके साथ काइंडनेस, मतलब दया वाला एक बिहेव करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूपी में रहते हैं है ना, तो कोई दिल्ली से अगर यूपी में आता है उसको थोड़ी दिक्कत होती है, कोई एड्रेस वगैरह पूछता है, तो हमें उसकी बहुत हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वो हमारी स्टेट में नया है ना. और जब वो हमारी स्टेट से जाए तो कुछ एक अच्छी यादें लेकर जाए है ना. तो ये होता है कि शो काइंडनेस कॉर्टेसी टू द पीपल हु विजिट योर स्टेट. अगर आपके राज्य में कोई ऐसे महाराष्ट्र से, दिल्ली से, वेस्ट बंगाल से, कहीं से भी, इंडिया के 28 स्टेट से अगर आता है, तो आप उसके साथ एक काइंडनेस दिखाएं. अब हम बात करते हैं दिल्ली के लोकेशंस की. दिल्ली लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ रिवर यमुना. न्यू दिल्ली वॉज लेड आउट टू द साउथ ऑफ ओल्ड सिटी विच वॉज बिल्ड बाई द मुगल शाहजहां, मुगल एम्पायर शाहजहां. अब दिल्ली जो है वो कौन सी रिवर पे बसा है? यमुना रिवर पे जो है वो दिल्ली बसा हुआ है, ठीक है. न्यू दिल्ली वॉज लेड आउट टू द साउथ ऑफ ओल्ड सिटी विच वॉज बिल्ड बाई मुगल एम्पायर शाहजहां. अब दिल्ली को जो है किसने बनवाया था? दिल्ली का जो एक बनाने जो एक बिल्ड था, मतलब किसने बनाया, वो शाहजहां, मुगल एम्पायर शाहजहां ने दिल्ली को बनाया, ठीक है. अब मतलब एक होता है न्यू दिल्ली वॉज प्लान्ड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्चर. अगर हम इस अमेजिंग फैक्ट की बात करते हैं, न्यू दिल्ली वॉज प्लान्ड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियंस एंड हर्बर्ट बेकर. अब जब ब्रिटिश ने दिल्ली को प्लान किया, मतलब भाई जो मुगल ने जो बनाई थी, जो दिल्ली बनाई, वो एक पुराने तौर पर थी, वो ओल्ड दिल्ली थी. लेकिन जब दिल्ली ने इसको एक मेट्रो तरीके से बनाया, एक मॉडर्न दिल्ली के तौर पर बनाया, तो जो बनाने वाले जो आर्किटेक्चर थे उनका क्या नाम था? एडविन ल्यूटियंस एंड हर्बर्ट बेकर. दिस इज द पिक ऑफ एडविन ल्यूटियंस, ठीक है, न्यू दिल्ली के ये आर्किटेक्चर हैं, और ये हर्बर्ट बेकर. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली, तो हर्बर्ट बेकर एंड एडविन ल्यूटियंस. तो अगर ऑप्शंस के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी होता है ये जीके में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली, कोई भी एक नाम अगर आपको देखने में मिलता है एडवर्ड ल्यूटियंस या हर्बर्ट बेकर का, तो वो आप नाम क्लिक करेंगे. अगर दो नाम पूछे जाए हु वॉज द टू आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली, तो आपको बताना होगा हर्बर्ट बेकर और एडविन ल्यूटियंस. अब हम बात करते हैं दिल्ली की सही लोकेशन की. देखिए दिल्ली यहाँ लोकेटेड है. अगर हम इंडिया के मैप में देखते हैं तो दिल्ली इस तरीके से यहाँ लोकेटेड है, ठीक. और अगर हम दिल्ली का मैप देखते हैं तो दिल्ली कुछ इस तरीके से है ना. दिल्ली की जो लोकेशन इस तरीके से है. हम मैप में हर बार ट्राई करते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, मतलब ये साउथ एरिया है. तो अब नॉर्थ है ना, नॉर्थ दिल्ली, साउथ, इस तरीके से इसका एक है ना, और ये बना हुआ है. और जो दिल्ली का जो ईस्ट पार्ट है वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है ना, ये रहा उत्तर प्रदेश. तो ये
दिल्ली की कुछ लोकेशंस है, इस तरीके से दिल्ली का कुछ मैप बनता है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के क्लाइमेट की। क्लाइमेट की बात करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट मैं आपको टॉपिक बताना चाहता हूँ। द फाउंडेशन ऑफ न्यू दिल्ली वॉज लेट ऑन दिसंबर 1511। दिल्ली इज बॉर्डर बाई द स्टेट उत्तर प्रदेश एंड द ईस्ट हरियाणा ऑन द वेस्ट। अगर हम दिल्ली की लोकेशंस की बात करते हैं, दिल्ली की लोकेशन दिल्ली ईस्ट साइड पे, मतलब अगर हम दिल्ली ये मतलब अगर हम इसका नॉर्थ और दिल्ली का ईस्ट पार्ट देखें तो दिल्ली ईस्ट पार्ट से कहाँ टच हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, है ना। और अगर हम इसका हरियाणा की बात करें, ईस्ट एंड हरियाणा ऑन द वेस्ट, और हम वेस्ट साइड पे बात करते हैं तो ये हरियाणा से टच हो रहा है। दिल्ली की जो फाउंडेशन थी वो कब हुई, दिसंबर 15, मतलब इसकी जो एक फाउंडेशन डेट है दिल्ली की, मतलब दिल्ली की जो फाउंडेशन डेट है वो क्या, वो कौन सी है भाई, 15 दिसंबर और 1911, ये इसकी एक मतलब एक फाउंडेशन है, मतलब दिल्ली का एक पूरे तरीके से इस दिन दिल्ली जो है बना गया था। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज मॉनसून इन्फ्लुएंस ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अ हाई वेरिएशंस बिटवीन द समर एंड विंटर। टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर वेरियस फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस इन समर टू अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस इन विंटर। दिल्ली में जो है जो गर्मी पड़ती है वो तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पड़ती है ना, लेकिन वहाँ सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। समर सीजन इन दिल्ली वेरी लॉन्ग एंड हॉट, जो वहाँ दिल्ली में जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत गर्म होती है ना, और यूजुअली वहाँ जो गर्मी स्टार्ट होती है वो जुलाई एंड द एंड इन सेप्टेम्बर, मतलब जुलाई से स्टार्ट होती है और सेप्टेम्बर में एंड हो जाती है। विंटर स्टार्ट इन मंथ ऑफ अक्टूबर, और दिल्ली में जो सर्दी कब से स्टार्ट होते हैं, अक्टूबर। द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी कोल्ड इन दिल्ली, जो दिल्ली में दिसंबर और जनवरी का महीना जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब हम बात करते हैं दिल्ली की गवर्नमेंट की। न्यू दिल्ली इज गवर्न्ड थ्रू अ म्युनिसिपल गवर्नमेंट नोन एज द न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। अदर अर्बन एरियाज ऑफ मेट्रोपोलिस ऑफ दिल्ली आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। भाई दिल्ली में जो एक सारे मेन काम है, जितने भी दिल्ली को मेट्रोपोलिस करने का काम होता है, दिल्ली को जिस तरीके से एक मॉडर्न आर्किटेक्चर दिया जाता है वो सब काम करता है MCD यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, यानी पूरे दिल्ली की बागडोर इनके हाथ में रहती है, पूरे दिल्ली को संभालना, दिल्ली की सड़कों में साफ सफाई, पानी वगैरह का जो इंतजाम होते हैं वो इन सब को देखना वो कौन करता है, जितना भी जो मेट्रोपोलिस ऑफ दिल्ली आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इसको शॉर्ट फॉर्म में MCD भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। न्यू दिल्ली इज स्ट्रक्चर अराउंड द 2 सेंट्रल प्रोमेंट्स कॉल्ड द राजपथ एंड जनपथ। द राजपथ किंग्सवे स्ट्रेचेस फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। देखिए अब दिल्ली का जो एक 2 सेंट्रल है वो क्या है भाई, एक राजपथ है ना। राजपथ क्या है, किंग्सवे। अब मैं आपको पहले समझाता हूँ कि राजपथ है क्या, इसको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले आप टॉपिक को पूरा समझ लीजिए, ठीक है। इन द हार्ट ऑफ द सिटी इज अ मैग्निफिशेंट राष्ट्रपति भवन formerly known as the Viceroy House, which sits atop Resina Hills. The secretariat which house various minister of government of India flanks out of Rashtrapati Bhavan. अब दिल्ली जो पूरी तरीके से गवर्न होती है वो किस तरीके से होती है, एक राष्ट्रपति भवन और एक पार्लियामेंट हाउस से। ये है राष्ट्रपति भवन, ये है पार्लियामेंट हाउस। भाई राष्ट्रपति भवन क्या है, राष्ट्रपति भवन एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन एक रेजिडेंस है, प्रेसिडेंट का रेजिडेंट, मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पर प्रेसिडेंट रहता है ना। और पार्लियामेंट क्या है, यहाँ पर सारे मिनिस्टर आके बैठते हैं और रोज मीटिंग होती है, पार्लियामेंट पूरी तरीके से काम करता है जिसपे पूरा देश काम करता है। यहाँ पर रोज अपने मिनिस्टर आते हैं और बात करते हैं, जितने भी नेता हैं और देश को चलाने की स्कीमें यहाँ बनती हैं। और जो ये एक मतलब एक मतलब जो प्रेसिडेंट हाउस मतलब कहते हैं ना उसको, मतलब एक राष्ट्रपति भवन है ना, ये क्या है, एक तरीके से प्रेसिडेंट का रेजिडेंट है, मतलब यहां राष्ट्रपति रहता है। देखिए अब मैंने बात की थी व्हाट इज द मीन ऑफ राजपथ, है ना। राजपथ का मतलब होता है किंग्स वे, मतलब राजा का रास्ता जिस पे राजा चलता है। तो देखिए वो कहां होता है, स्ट्रेचेस फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। अब ये राष्ट्रपति भवन देखा आपने, ये राष्ट्रपति भवन देखिए, ये वो रास्ता है, ठीक है, ये मतलब राष्ट्रपति भवन है। अब यहां से जो ये रास्ता जा रहा है, ठीक है, ये जो रास्ता जा रहा है ये कहां तक जा रहा है, ये इंडिया गेट तक जा रहा है, मतलब ये वो रास्ता है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये वो रास्ता कहां तक जा रहा है, ये इंडिया गेट तक रास्ता जा रहा है। मतलब अगर हम इस रास्ते को यहां से देखते हैं, राष्ट्रपति भवन से, राष्ट्रपति भवन से ये रास्ता स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है इंडिया गेट तक, ठीक है। तो इस रास्ते को बोलते हैं किंग्स वे,
राजपथ। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी टर्म समझ लेते हैं, ठीक है। अवर हेरिटेज में हम इसको समझते हैं। द राष्ट्रपति भवन इज द बिगेस्ट रेसिडेंट ऑफ एनी प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रेसिडेंट हाउस हैं उसमें राष्ट्रपति भवन सबसे बड़ा है। हमारे भारत का जो सबसे बड़ा जो होता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो राष्ट्रपति भवन सबसे बड़ा है, ठीक है। द फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन 1950 एट द इरविन स्टेडियम, प्रेजेंट डे नेशनल स्टेडियम। मतलब जो पहली हमारे जो रिपब्लिक डे की जो परेड हुई थी वो 1950 में हुई थी, और वो कहाँ हुई थी? इरविन स्टेडियम। और आज उस इरविन स्टेडियम का नाम जो है वो क्या है? नेशनल स्टेडियम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वी विल अपलोड सम मोर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।